मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच दो सबसे ताजा सर्वे सामने आए हैं। दोनों सर्वे चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले आपको पीस मीडिया और न्यूज 24 का सर्वे दिखाते हैं। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 से 122 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 105 से 115 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 230 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है, यानी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी बहुमत हासिल कर रही है और कांग्रेस बहुमत के बेहद करीब है। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 45.6% और कांग्रेस को 45.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 9.3% वोट जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरा चुनावी सर्वे टाइम्स नाउ नव भारत ने किया है। सर्वे के मुताबिक अगर राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 42.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 13.40% वोट जाने की संभावना है। पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 230 में से 109 सीटें जीती थी, जबकि यहां कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41-41% वोट मिले थे। 2018 के चुनाव के बाद MP में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस टूट गई। करीब 15 महीने में कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बना ली। तब से शिवराज मध्य प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। उसके बाद अब सीधे 2023 का चुनाव होगा। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के ये सर्वे हकीकत में कितना बदल पाते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।